आयशा, आयशा मुझे देखकर तुमने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? जिस रास्ते पर मुझे चलना ही नहीं है उसको देखकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ने में क्या हर्ज है? आखिर तुम चाहती क्या हो? देखो ये सवाल तुम मुझसे ना पूछो तो अच्छा होगा। आयशा, जो फर्क हमारे रिश्ते में रूपाली के आ जाने की वजह से हुआ है, क्या अगर कोई और लड़की आती तब भी यही सिचुएशन होती? संजीव तुम क्यों नादान बनने की कोशिश करते हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हें सब पता है, अपनी सोच के बारे में भी और मेरी समझ के बारे में भी। ऐसा ऐसा मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। देखो मैंने तुमसे बॉबी के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि तुम ऐसा चाहती थी, और अब तो मेरा बॉबी से मिलना जुलना भी बंद हो गया क्योंकि मैं उसे फेस ही नहीं कर सकता। इस सब के बीच मुझे एक दोस्त की जरूरत है। ऐसा तो रूपाली है ना तुम्हारे साथ, इन सब बातों की तुम मुझसे क्यों उम्मीद करते हो? ऐसा ऐसा तुम समझ नहीं रही हो। देखो ऐसा, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे मुझे कोई खुशी मिलती है या कोई तकलीफ होती है तो मैं इन सब बातों को किसी के साथ शेयर करना चाहूंगा। प्लीज बी माय फ्रेंड, मेरा साथ मत छोड़ो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ मत करो, सिर्फ इतना प्रॉमिस करो कि तुम आने वाले संडे को मुझे उसी जगह पर मिलोगी जहां पर हम हमेशा मिला करते थे एज अ फ्रेंड। लेकिन 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 कुछ नहीं, हम संडे को मिल रहे हैं और ढेर सी बातें करेंगे। बाय 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 बाय। संजय सुनो प्लीज। हाय डैडा। अरे आओ रवि बेटा। बेटा आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। डैडा मैं भी आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जया कहाँ है? पास ही गई, अभी आ जाएगी। रवि रूपाली ने तुम्हें सब बता दिया होगा, मेरे कहने पर ही रूपाली ने तुम्हें यहाँ भेजा है। बेटा मैं चाहता हूँ तुम रूपाली की बात मान जाओ ना। डैडा मैं आपसे रूपाली के बारे में नहीं, शेफाली के बारे में बात करना चाहता हूँ। शेफाली की मतलब रूपाली ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा? जी नहीं डैडा, मैं यहाँ खुद आया हूँ। दरअसल बात यह है कि आज सुबह शिमला से प्रीति का फोन आया है, उसने ये कहा है कि शेफाली शिमला में नहीं है। शेफाली शिमला में नहीं है तो फिर कहाँ है? ये तो मालूम नहीं डैडा, लेकिन शेफाली शिमला में नहीं है। ये क्या कह रहे हो रवि, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो खुद प्रीति को फोन करके कहा कि वो शिमला में है। जया, शेफाली शिमला में सिर्फ दो दिन तक थी, उसके बाद ये कह के निकली है कि वो यहाँ आ रही है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, मैं तो उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रीति उसे अपने साथ शिमला से लाएगी। जया तुम चिंता मत करो। देखो जया, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम्हारे पास शेफाली का कोई फोटो तो होगा, उधर मेरे ऑफिस भिजवा देना। डरा आप मुझसे रूपाली के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बेटा, बेटा दरअसल रूपाली संजीव के साथ प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो ये बात तुम लोगों से कैसे कहे। उसे लगता है तुम और प्रीति आयशा का रिश्ता संजीव के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे इस बात का शक तो था डेरा, लेकिन मैं प्रीति से बात किए बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। सिर्फ इस बात की फिक्र है कि एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी को दुख ना पहुंचे। ठीक है डेरा, मैं चलता हूँ, पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, और वैसे भी इस वक्त शेफाली का ये जो टॉपिक है ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बेटा, ओके बाय बाय। जब डॉक्टर ने कह दिया कि ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर ना क्यों कर रहे हो तुम? निवेदा, जब तक जय यहाँ नहीं आ जाती मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। जिस तरह तुमने मुझे माफ किया उसी तरह जया को भी मुझे माफ करना होगा। इस जिद के लिए जान देना बेवकूफी है, अब तुम्हारी हालत किसी माफी का इंतजार नहीं कर सकती। निवेदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो फिर क्यों काम को कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ बेटा। आंटी प्लीज,
आपको मालूम है अंकल की तबीयत अब इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो बेटा, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते, जाओ यहां से। अंकल आप क्यों? मैंने कहा ना, जाओ यहां से, जाओ। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बिना किसी रिश्ते के वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्या करूं, आजकल दिमाग और जबान का आपस में नाता ही नहीं रहा, इसलिए जो मुंह में आता बक देता हूं। चलो ठीक है, अब सोचना बंद कर दो और बिल्कुल आराम कर दो। चलो। कैसे सोचना बंद कर दूं, कैसे भूल जाऊं? तुम कहती हो सोचना बंद कर दो, भूल जाओ। जया यहाँ आने को तैयार नहीं है, राधिका घर पे नहीं है, और शेफाली, उसका पता नहीं कहाँ है वो। और तुम कहती हो सोचना बंद कर दो। हेलो, इंस्पेक्टर विजय स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं रवि नैयर बोल रहा हूँ। हेलो रवि जी, कैसे हैं आप? टूर से कब लौटे? जय जी कैसी हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप हमारे फैमिली के काफी क्लोज हैं। बिल्कुल हूँ सर, आप हमें अपना फैमिली मेंबर ही समझिए। अच्छा, तो फिर तो आपको इस बात की खबर होगी कि जया की बेटी शेफाली पिछले 10 दिनों से लापता है। ये क्या कह रहे हैं सर? ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप हमारे फैमिली के क्लोज हैं, और दूसरी तरफ आपको ये इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिली। सर अब कैसे हो, कोई हमें इन्फॉर्म करे तो पता चले ना, अब इत्तला के बिना तो कानून कुर्सी से उठने की भी इजाजत नहीं देता। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको इत्तला कर दी गई है ना, अब आप अपनी कार्रवाई जारी कर सकते हैं। अब चाहें तो शेफाली का फोटो मेरे ऑफिस से मंगवा सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके डॉक्टर सुखबीर से मिल सकती है। ओके सर, मैं तलाश शुरू करता हूँ। एनीवे थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। ओके इंस्पेक्टर। आप आ गए? हाँ बेटी। बेटी मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। कुछ मुश्किलात है जो मुझे लगता है सिर्फ तुम दूर कर सकती हो। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बेटी मुझे लगता है कि तुम ही हो जो जिया को राजी कर सकती हो यहाँ आने के लिए, क्योंकि जिया को ऐसा लगता है कि मेरा समझाना उसकी तकलीफों से छोटा है, और मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दर्द जिया से कहीं बड़ा है, इसलिए जिया को यहाँ लाने के लिए तुम ही मजबूर कर सकती हो। नहीं डाडा, ये आपकी गलतफहमी है, ये बात मेरे वश में नहीं है, क्योंकि हम दोनों का नज़रिया एक दूसरे के लिए कभी बदल नहीं सकता। मैं उसकी नज़र में हमेशा उसके पति की दूसरी औरत हूँ, और वो मेरी नज़र में मेरे पति की दूसरी बीवी। हम दोनों का दर्द हमारी नज़र में बहुत बड़ा है, ना वो मेरी तकलीफ समझ पाएगी और ना मैं उसकी। निविदा, कब तक तुम लोग अपनी तकलीफों के बारे में सोचते रहोगे? बेटी इंदर मर रहा है हॉस्पिटल में, एक बार पूरे हालात को समझो, उसे देखो, फिर अपने आप से ये प्रश्न करो कि क्या तुम्हारी तकलीफ इंदर की तकलीफ से ज्यादा बड़ी है? नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं है डाडा, मैं जानती हूँ, इसीलिए यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन इस बात का एहसास जयप्रसाद को कैसे दिलाऊंगी, ये नामुमकिन है। मेरी जब कोई इंसान बगैर किसी कोशिश के किसी काम को नामुमकिन कह दे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसे मुमकिन करना ही नहीं चाहता। आप खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जयप्रसाद अगर यहाँ आएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ उस काम में है जो आपसे भी मुमकिन नहीं हुआ। आई एम सॉरी डाडा, मैं जया से बात नहीं करूंगी। आई एम वेरी सॉरी। नितिन की इतनी हिम्मत,
कि मेरी बीवी को अपनी बच्ची के किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। दीपक, इसमें नितिन की कोई गलती नहीं है। जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी और अपनी गलत फहमी के लिए उसने मुझे सॉरी भी कहा था। कम ऑन निशा, तुम उसे सिर्फ महज गलत फहमी समझ कर मत टाल दो। उस आदमी ने मेरे चेहरे पर जिल्लत का इतना बड़ा तमाचा मारा। अरे जिस इंसान ने तुम्हारी बेटी को अपना नाम दिया उसे अपनाया, तुम उसे कह रहे हो कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की? कम से कम उससे नाराज होने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे हक से मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने तुम पर शक किया, इतना ही क्या कम है? तो क्या गलत किया? आखिर गुनाह खुराना ने किया था जिसे मेरा रिश्ता है, और रिश्ता होने के नाते उसकी पाप की सजा मुझे भी मिली, तो गलत क्या है इसमें? निशा, तुम बात को समझती नहीं हो। वो आदमी कितना खुदगर्ज है तुम ये भी नहीं समझती। वो ये सब कुछ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। निशा, सुना तुमने? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दीपक, दीपक, क्यों क्यों मैं खुद को संजीव से अलग नहीं कर पा रही हूँ? क्या हो गया मुझे? आज जब मुझे पता चल चुका है कि वो मुझे नहीं रूपाली से प्यार करता है, फिर भी मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। भूल जाऊँ भी तो कैसे? कितना अच्छा वक्त गुजारा हम दोनों ने। जब ये एहसास ही नहीं हुआ था तब तुम रूपाली के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? उस वक्त मैंने भी तो अपने बारे में इतनी गहराई से सोचा नहीं था। हाय संदीप, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? हाँ बिल्कुल आ सकते हो। ए, लेकिन अभी तो हम मिले थे। अभी? हम तो कल मिले थे ना। ओ, मतलब तुम एक दिन भी गुजार नहीं सकते मेरे से मिले बगैर? You mean you miss me so much? देखो आयशा, बातों को घुमा फिरा कर इधर उधर लेके जाने की कोशिश मत करो। हाँ जी नहीं, मैं बातों को सही तरफ लेके जा रही हूँ। आयशा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए बार बार यहाँ आ जाता हूँ। संजीव, मैं अपने घर भी हूँ, मैं यहाँ भी सेफ नहीं हूँ क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ। एक्चुअली तुम मुझे मिस करते हो। आयशा, मैं किसी को मिस नहीं करता। I'm sorry. I mean, मेरे जैसे इंसान को इमोशनल होने का कोई हक नहीं है। सुना है मैंने, जो इंसान दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और तुम तो शिखा में पूरी तरह जल चुके हो। अच्छा, तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ से चला जाऊँ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊं, पकौड़े बना कर लाऊं, तुम्हें अपने हाथों से खिलाओ, या तुम मुझे डेट पे लेके चलो। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ आया था। अरे बाबा, जैसे मुझे बॉबी ने बुलाया था वैसे तो ले जा सकते हो ना। बॉबी? तुम बॉबी से मिली थी? उसने मुझे बुलाया था, वो कुछ अशोक के बारे में कहना चाहता था, और ये भी बताना चाहता था कि वो मेरी मदद क्यों करता है। उसने कई बार अशोक की चालों से मुझे आगाह किया है, लेकिन जब मैंने वजह पूछी उसने टाल दिया, कहने लगा वक्त आने पर बताऊंगा। आखिर क्या वजह हो सकती है? देखो आयशा, कभी कभी कोई इंसान बेवजह भी किसी की मदद कर देता है। बिना किसी चीज की उम्मीद किए हुए हम किसी की हेल्प कर देते हैं, जैसे कि मैं। अरे हाँ, जैसे कि तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हें रिस्पेक्ट करें, इसीलिए तुम ये सब करते हो ना। तो इसमें बुराई क्या? अरे मेरे कहने का मतलब ये कि वो भी मुझसे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा ना। कौन? अरे बॉबी। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। एक मिनट रुको, अभी अचानक तुम्हें क्या हो गया? देखो ऐसा, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उन हालात से दूर ही रहना चाहिए जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये नेचर ही ऐसा है कि मुझे बार बार उन्हीं चीजों की तरफ खींच कर ले जाता है जिन्हें मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वक्त आने पर समझ जाओगे। बाय। वो भी कहता कि वक्त आने पर समझ जाओगी, ये भी कहता कि वक्त आने पर समझ जाओगी। ए भाई, ये वक्त कब आने वाला है? आयशा, ऐसे कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दो संजीव। अब जाने से क्या फायदा? फायदा है क्योंकि मेरे पास वक्त है लौटने का। अगर मैं यूं तुम्हारे साथ रही तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। आयशा, देखो मैं हमेशा तुम्हें यही समझाता आया हूँ कि अपने आप को किसी सोच के तहत मत बांधो। मैं कल भी तुम्हारा दोस्त था और आज भी हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती, मुझे दोस्तों की कमी नहीं है संजीव, क्योंकि मैं अब तुमसे जो चाहती हूँ वो तुम मुझे नहीं दे सकते।
तो मैं क्यों रखूं तुमसे ये दोस्ती का छोटा सा रिश्ता? आयशा, दोस्ती के रिश्ते को छोटा कहकर तुम अपने ही नहीं मेरी फीलिंग्स की भी बेइज्जती कर रही। आयशा, मैं तुम्हें जिस नजरिए से देखता हूँ उसमें तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट है, एक अपनेपन का एहसास। रूपाली के साथ मेरा जो रिश्ता कायम हुआ वो प्यार का है, मैं जानती हूँ वो प्यार का, और बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या जगह है, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि मेरी नजरों में तुम्हारी क्या जगह है। आयशा, आयशा, अरे डैडा, आप कब आए? बेटे मैं कल रात आया, तुम सोए हुए थे इसलिए तुम्हें परेशान नहीं किया। अरे कमाल है डैडा, उठा लेना था ना। नहीं, आप कहने आए, वो जाया नहीं आई? नहीं बेटा, बेटा इस उम्र में मेरे से जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने की, लेकिन जया को समझाने में मैं कामयाब नहीं हुआ। इंदर देखो, अब भी एक रास्ता है, तुम निविदा से कहो कि वो जया को मना के यहां ले आए। डैडा, हाँ देखो, जया और निविदा के दुख बराबर है, दोनों इस वक्त तकलीफ में हैं, दोनों की तकलीफ बराबर है, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। डैडा, शायद निविदा के कहने पर जया मान जाए। डैडा, पर निविदा मेरी बात क्यों मानेगी? मेरे कहने पे जया को फोन क्यों करेगी वो? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि वो मेरी बेटी शेफाली कैसी है? बेटा शेफाली घर पे नहीं है। शेफाली शिमला में थी, प्रीति उसे ढूंढने के लिए शिमला गई थी लेकिन शेफाली उसे मिली नहीं, न जाने कहां भटक गई है शेफाली। इंदर जया को लगता है कि शेफाली ने तुम्हारी वजह से घर छोड़ा है, और ये सोचकर जया की तकलीफ बढ़ गई है। ठीक है डैडा, बिल्कुल सही है उसकी तकलीफ, हर शख्स को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदार हूं, सही कहते हैं सब। मुझे तो आज तक किसी ने ना समझने की कोशिश की ना समझाने का मौका दिया, और अब तो मुझे समझाना भी नहीं है। डैडा आई एम सॉरी, मैं निवेदा को नहीं बोल सकता, मैं नहीं कहूंगा उसे। ठीक, तुम निविदा से मत कहना, जया मेरी बात नहीं मानेगी, जया मेरी बात नहीं मानेगी, जया यहां नहीं आएगी, और तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तुम यहां पड़े रहोगे, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा मैं उस दुख में रहूंगा नहीं, मैं अपना दुख किसी को बताऊंगा नहीं। तुम सब जिद पे अड़े हो लेकिन मैं अपना दुख किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है दादा, प्लीज दादा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं डाली। प्लीज, आप कहते हैं तो मैं निवेदा से बात करूंगा दादा।